दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात के साथ मैं हूं निलेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को यानी कल मतदान हो रहा है। मतदान के लिए इस बार 58 सीटें चुनी गई हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की। ये वो सीटें हैं, वो इलाका है जहां किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा आंच महसूस की जा रही है। सवाल इस बात का है कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के इन 58 सीटों के लिए जो मतदान हो रहा है, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी वाकई पिछड़ जाएगी जैसा बहुत सारा लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की अगर वो पिछड़ती है इन सीटों पर, तो क्या उत्तर प्रदेश के जो अन्य चरणों के मतदान हैं उसमें वाकई उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि क्या वाकई वो पिछड़ रही है। उत्तर प्रदेश की इन जो 58 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें 2017 का जब चुनाव हुआ था तो इन 58 सीटों में उसको 53 सीटें मिली थी। मैक्सिमम सीटें इस पार्टी ने जीता था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 46.3% उसको वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21% वोट मिले थे और उसकी जो सीटें थी दो थी। आरएलडी को, जो उसका अलायंस पार्टनर इस बार है, उसको एक सीट मिली थी और 7.1% वोट मिले थे। बीएसपी को 22.5% मिला था, यानी एसपी से ज्यादा मिला था वोट, लेकिन सीटें केवल दो ही उसको भी थी, कांग्रेस 0। और इस तरह 53 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण में ही ये साबित कर दिया था कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिग्विजयी होने जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े जो चुनावी विश्लेषक हैं, जो बहुत सारे प्रिडिक्शन करने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी अब धीरे से मान रहे हैं कि शायद, मानना वो नहीं चाहते, लेकिन ज्यादातर टेलीविजन चैनलों पर जो प्रिडिक्शन किए जाते हैं वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही किए जाते हैं, लेकिन मान रहे हैं लोग दबी जुबान से कि यहाँ पर लड़ाई कांटे की है। किसको कितनी सीटें मिलेंगी अब देखना इस बात से निर्भर करेगा कि विपक्ष वाकई इन सीटों पर किसान आंदोलन से जो आंच पैदा हुई है, किसानों में जो एक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो एक भावना है, एक आक्रोश है, क्या वो मतदाताओं की भावना के रूप में तब्दील होता है या नहीं, कहीं वो जाति की भावना के रूप में तब्दील तो नहीं हो जा रहा है, यानी किसान जाति तो नहीं बन जा रहे हैं, किसान जातियों में तो नहीं बंट जा रहे हैं कि कोई गुर्जर, कोई यादव, कोई जाट, कोई लोधा, इस तरह से तो नहीं बंटवारा हो रहा है। और यही नहीं, कहीं कम्युनल पोलराइजेशन तो नहीं हो रहा है, जिसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के बड़े हिस्से द्वारा लगातार किया जा रहा है। मीडिया, जब मैं कह रहा हूं तो टेलीविजन चैनलों की बात सबसे ऊपर रख रहा हूं। तो ये जो दो पहलू हैं, जाति के रूप में विभाजित लोग और दूसरा कम्युनल आधारों पर विभाजित लोग, क्या ये फैक्टर तो इस चुनाव में नहीं काम कर रहे हैं? एक बड़ा से ये बड़ा पहलू है। और दूसरा पहलू दोस्तों सबसे बड़ा ये है कि विपक्षी दल इस पूरे इलाके में, क्या उत्तर प्रदेश में वो चुनाव जो लड़ रहे हैं, जिस तरह कैंपेन उनका रहा है, जिस तरह से कैंडिडेट उन्होंने तय किए हैं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। एक तरफ आरएसएस, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी सक्रियता से, पूरे आक्रामक ढंग से ये चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के नियमों, कोड ऑफ कंडक्ट की परवाह किए बगैर वो कम्युनल पोलराइजेशन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक जो इश्यूज हैं, सोशल जस्टिस के जो बड़े इश्यूज हैं, उन पर भी जनता को मोबिलाइज नहीं कर पा रहा है। कम से कम कैंपेन में वो कंटेंट नहीं दिखाई दे रहा है, वो एग्रेशन यानी आक्रामकता, वो तेजी, वो गर्माहट नहीं दिखाई दे रही है जो किसी भी जन आंदोलन के बाद राजनीतिक दलों में दिखाई देनी चाहिए। जन आंदोलन का मतलब किसान आंदोलन की बात मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों ये बड़ा प्रश्न है, और सच पूछिए तो उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जो आक्रोश है सत्ताधारी दल के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ, वो जो आक्रोश है वो राजनीतिक जो विपक्षी दल है उनके बीच में दिखाई नहीं दे रहा है। तो विपक्ष जो है चुनाव नहीं लड़ रहा है, सच्चाई ये है, उस सक्रियता के साथ जो सक्रियता उसको दिखानी चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं
उनकी निष्क्रियता चुनाव में जो दिखाई दे रही है, क्या इसका जवाब जनता की सक्रियता से हो जाएगा? क्या जनता ही सत्ताधारी दल को चुनौती दे सकेगी? क्या जनता के बल पर सत्ताधारी दल को हराने का जो ख्वाब है बहुत सारे लोगों का, खासकर विपक्षियों का, या वो पूरा हो पाएगा? तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भरोसा, अगर कोई भी बीजेपी को हराना चाहता है, कोई एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को सत्ताच्युत करना चाहता है, सत्ता से वंचित करना चाहता है, तो सिर्फ जनता पर उसको निर्भर रहना होगा। वो गरीब जनता, वो साधारण जनता, वो ऐसी जनता जिसने कि वाकई सहा है, बर्दाश्त किया है महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना दौर की तबाही और खेती की बर्बादी, किसानों की जो बर्बादी। तो कुल मिलाकर ये चुनाव अगर देखा जाए तो सत्ताधारी दल की आक्रामक जो नीतियां हैं, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन, जिस तरह से निर्मम ढंग से चीजों को लेना, और दूसरी तरफ वो अवाम है, अवाम और सत्ताधारी दल के बीच का ये चुनाव है, कहीं कोई विपक्षी दल नहीं है। विपक्ष को अगर फायदा मिलेगा तो सिर्फ जनता से मिलेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।